तो इतनी मैंने सीमा निकट होने के बाद तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। यही छात्र वहां पढ़ते हैं, हमारे धनबाद बोकारो के बहुत सारे छात्र विनोभाव के भी छात्र हैं, लेकिन वहां जब वे जाते हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर है, यहाँ खासकर आपके कार्यकाल में महोदय, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और मैं एक विशेष बात आपको संज्ञान में देना चाहूंगा, अभी मैं आपके सामने जो आया हूँ लगभग 4-5 कोयला के खदान का चक्कर लगाते हुए आया हूँ, वहाँ बीसीसीएल हमारे जमीनों को जबरन कब्जा कर रही है, छीन रही है, वहां तो हम लोग खो चुके हैं अपनी माटी, तो खो चुके हैं जंगल, खो चुके हैं जमीन, खो चुके हैं। झारखंड आईटी सेक्टर नहीं है, झारखंड मेडिकल सेक्टर नहीं है, यहाँ के लोगों का प्रथम टारगेट जो होता है वो होता है कि शिक्षक बनना। हैदराबाद हम आईटी सेक्टर के छात्रों को इस प्रकार से फेल करेंगे तो ये के शिक्षक बनने का जो ख्वाब रखते हैं कैसे रखेंगे। प्लस झारखंड में एक अभियान विशेष चलता है नक्सलवाद को लेकर, तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान शिक्षा से होगा, और वो शिक्षा पाने के बाद जब नियोजन की ओर अग्रसित होंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए आप जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं, आप शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च हैं, आपसे हमारा अनुनय निवेदन होगा कि जो भी छात्रों को आपने फेल किया है, कदाचित एक बीएड के कोर्स में पूरे भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय में इतनी भारी संख्या में नहीं हुआ, किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाए इतनी भारी संख्या में बीएड के छात्र फेल नहीं होंगे, 1500 से बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हर बार, और महोदय जब से आपका आगमन हुआ है पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी मनोभाव क्या है, मुझे उम्मीद है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस उम्र में बैठे हैं और जिस दायित्व पर बैठे हैं आप क्षेत्रभाव की भावना से ग्रसित नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप उससे ऊपर उठ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की कृत के थमाकर यही आप जो कह रहे लाठी चार्ज कर देंगे, कल गोलियां बरसाएंगे, कहां जाएंगे हम? यहां पहला स्कोप है शिक्षक का। झारखंड में अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो पहला उसका जॉब होता है शिक्षक बनने का, क्योंकि यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर का वैकेंसी नहीं होता, होता भी है तो अंदर अंदर चला जाता है। अगर आप बीएड में इतनी भारी मात्रा में फेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नक्सलवाद को भी बढ़ावा देंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये बहुत मैंने यहाँ के छात्रों के साथ जुल्म है, आप इसको संज्ञान में लेते हुए हम चाहेंगे कि उन्हें यथाशीघ्र तत्काल उन्हें पास किया जाए, और नहीं तो फिर हम चाहेंगे आज हम छात्रों के साथ आए हैं। और मार्कशीट डिपेंड करता है, अभी हम लोग विनोबा भावे के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट को देख रहे थे, वे लोग एक साधारण से छात्र 275, 268, 267 स्कोर किया है, हमारे टॉपर उतना स्कोर कर रहे हैं। यही छात्र जब उनके साथ किसी कंपटीशन में बैठेंगे कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो फ्रांस और वियतनाम की कहानी दोहराई जा रही है, अभी पढ़ेंगे हम लोग भी पढ़े हैं फ्रांस और वियतनाम की कहानी कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि वो फ्रांस का मुकाबला ना करें। तो यहाँ के छात्रों को इतनी भारी संख्या में कम मार्क्स दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तो सर आप बताइए कैसे मुकाबला होगा? इसलिए आप क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर हैं, आप राज्य की सीमा से ऊपर हैं, आप एक शैक्षणिक संस्थान के महामहिम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति शैक्षणिक बाकी विश्वविद्यालय में है, आपके रामगढ़ में है, हजारीबाग में, हम लोग बहुत संक्षेप चाहते हैं कि जो भी छात्र हम सुनेंगे आपका भी सुनेंगे कि जो भी छात्र फेल किए गए हैं उन्हें पास किया जाए, और उम्मीद करते हैं कि आप एक आज हम आपसे एक मैंने महामहिम एक डीसी के रूप में नहीं अभिभावक के रूप में मिल रहे हैं। और अभिभावक बीएड देखिए जिस गांव से मैं आता हूँ उत्तर चाकी क्षेत्र एकदम पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां का जो मैक्सिमम है सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में नरेगा काम हमारे क्षेत्रों में होता है, यानी मजदूर हैं लोग, दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूर अपना बेटा बेटी को बीएड के लिए भेजता है जहां 2-2.5 लाख की फीस है, जब वो नाकामी लेकर लौटेगा उस परिवार पर क्या बीतेगी? महामहिम उस परिवार पर क्या बीतेगी? इतनी भारी संख्या में बहुत मुश्किल से पैसा एकत्रित किया जाता है साग सब्जी बेचकर। बीएड करने वाले कोई बड़े परिवार से नहीं होते, वो साग सब्जी बेचने वाले माने उस शख्सियत होते हैं, अगर वो बेहतर परिवार से होते तो मेडिकल के लिए चले जाते, 10-15 लाख खर्चा करके बीटेक करने चले जाते, एमटेक करने चले जाते। बीएड करने वो आते हैं वो साग सब्जी बेचने वाले छात्र छात्राएं होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, हम अभिभावक के रूप में आपसे मिल रहे हैं, आपसे हमारी प्रार्थना होगी कि जो भी समस्या है हम इसको पढ़ लेंगे। तो हमारा संक्षेप में कहेंगे कि जो भी 1500 छात्र बहुत मायने उन्हें पास किया जाए। तो आपको गलत कमी है, बीसी सिस्टम में कहीं आता है कि आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर भीड़ कर लिए, आप एम ए कर लिया रूटीन पी एच कर रहे सुनिए बेटा सुन रहे यहाँ बीसी का कोई रोल है क्या? पता तो मैं कैसे हम समझ रहा हूँ कि बीसी कोई इसमें रोल नहीं है। बीसी इसमें ना पढ़ाता है ना इसे काम कराते हैं, केवल हमको इन्फॉर्म मिलाता है इतना रिजल्ट होगा, रिजल्ट आता है फाइनल आता है इतना रिजल्ट है, तो कमेटी होता है कोच बोर्ड छोड़ी मीटिंग होते हैं एग्जामिनेशन पे होते पास करते हैं। ये कोई चीज़ मेरे पास नहीं। अच्छा आप लोग इतना भाषा दिए
देखिए विश्वविद्यालय में जो भी गतिविधि बीसी इसमें ये जो आपका तो ये बात अच्छा बोला ये इंजीनियर का नहीं प्रोफेसर का भी टीचर के लिए थोड़ा हम लोग इस बार पढ़े कि स्कूल टीचर बन जाए ये अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात है आपका जो भावना को हम नहीं समझ पा रहे लेकिन एक चीज़ है मैंने मेरे को आप लोग को आरोप लगा रहे बीसी कहीं नहीं है थोड़ा होता देता हूँ थोड़ा पहले क्या होता था सिस्टम का अलग था बता रहा हूँ एक पन्ना देकर के मार देते थे पहले तुमने बात पन्ना देकर मार देते थे पेपर चल जाता था ऐसे प्रमाण देता था देता था इसमें करते होता तो एक पन्ना हम आने के बाद में थोड़ा इसको सुपरवाइज किया है आपका आपको खुश होना चाहिए मैं एक अच्छे टीचर से यहाँ पर फुल सिस्टम का चेंज हुआ है मैंने पढ़ाई आगे तो पढ़ाई क्लास होता नहीं था आप जानते क्लास नहीं होता था इवन पर्सनल कॉलेज में टीचर आते नहीं थे आज के दिशा में कम से कम पढ़ाई लिखा हो रहा है टीचर भी जा रहा है बीर का जो सिस्टम है बीर कॉलेज में अभी तक के समझा में पढ़ाई काट दिया लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं आते बोला क्या करते हो वहाँ पर उन्होंने 10,000 रुपया दे करके सर्टिफिकेट ले लेते आपसे बोले ओके आपका बिहार में है कोई इलाहाबाद में है यूपी में है टीचर बी एड टीचर ले लेते एक मिनट आएंगे दूसरा भी चल जाएंगे पढ़ाई लिखा कुछ नहीं होता टीचर होते ही नहीं यहाँ पर हाल एक दो टीचर परमानेंटली वहाँ रहते हैं पढ़ाई लिखा जीरो है और नॉन अटेंडिंग क्लास आप नहीं आएंगे ना अटेंड आपके जो टीचर स्टूडेंट है अटेंड करने के नहीं आते उनके लिए 10,000 दे देते अटेंड के लिए आप अटेंड सब मिल जाता है प्रैक्टिकल आप नहीं दे जोर तो नहीं मिटा प्रैक्टिकल आप 10,000 दे देंगे आपका प्रैक्टिकल भी इधर हाथ मार जाता है और बच्चे पढ़े भी कुछ नहीं करते पहले जो परंपरा रहा तो बच्चे क्या करते थे 10,000 दे दिया आप अटेंड कर सी 10,000 इंटरनल मार दे दिया इंटरनल अच्छा मार्क आ गया 30 मार्क्स इनको ठीक मार्क आ गया अच्छे मार्क आ गया खाते चाल के दूसरा जगह चल जाता है वहाँ पर क्या होता है बिना इवेंशन में और पन्ना देख कर मार दिया जाता है ये सिस्टम अभी थोड़ा चेंज हो गया इम्तियाज टीचर कोई भी टीचर कोई ऑफिसर को चाहेगा कुछ कोई नहीं चाहेगा बेटा देखो मीडिया एक तुम्हारा क्या एलिगेशन है तुम्हारा अभी बता रहा हूँ पहले क्या हुआ था एक लास्ट टाइम कुछ सेमिस्टर बच्चे फेल हुए थे मार्च में ना ऐसे मार्च हो गया था ना अप्रैल हुआ था बच्चे आए थे मैं खाता खोल दिखा दिया बेटा जो कंप्लेन किए थे वो भाग गए तो तुम्हारे पास एक मौका है जो पेपर फेल हुए ना इसको जांच कर लो सुनो जांच कर लो मेरी बात सुनो जांच कर लो हम ये फांसी देंगे फांसी देंगे तुम तुम्हारे नियम तो है बच्चे को दिखाने के लिए वो भी दिखा दूंगा बच्चे को वो भी दिखा दूंगा पर सुनो बात सुनो अच्छा बच्चा मैं क्या था वो जो देते टीचर देते हैं उसका रिप्लाई होता है हाँ एक ध्यान रखिए पहले क्या होता था पहले क्या होता था बेटा पहले सब चीज ना बेटा ये सब चीज पहले बड़ा हम सब था अब जो हो रहा है देखो तुम लोग समझ नहीं आ रहा था तुम्हारी भलाई क्या हो रहा है हम तो फेल हो गए नहीं बेटा अच्छा भी कौन फेल करने के लिए कौन फोन कर लिए कोई नहीं होता तुम लोगों को कई इंडस्ट्री होता है अप्लाई करो रिवर्स संस्था में नहीं है तो भी मैं आप लोग बता हूँ रिवर्स के ऊपर आप बुला जितना अप्लाई करके टीचर में बुला करके आपको देखकर दिखाता प्रोडक्ट देते हैं सर पिछले बार मेरे सेशन में 21 के विद्यार्थी जो 1 अप्रैल को सर आपसे हम मिले थे उस दौरान जो फेल बच्चे थे
उनको आपने प्रमोटेड किया कर दिया, ठीक है सर। और जो प्रमोटेड बच्चे थे करीबन 500-600 के लगभग, उन्होंने स्क्रूटनी, उन लोग का कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो उन लोगों ने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें सर। और एक एक सेकंड और एक बात है सर, जैसे बोले सर आपके हाथ में कुछ नहीं है सर, 500 रुपया करके लिया सर, वो विद्यार्थी अभी आए नहीं वसूली के जरिए, आपका जो है ना इसमें बीसी का, सुने ना सर, ये बीसी का कोई सर इतना पर आप आपका जवाब कट के बोलो, यही गड़बड़ हो जाता है सर, इतना बदलाव, इतना बदलाव कर दिया सर की खून के आंसू हम रोक रहे पिछले बार हमको हम लोग को बताया था सर कि इस बार से मैंने क्या किया कि कॉपी की जांच अपने जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के शिक्षक हैं उनके द्वारा एसएसएलएनटी और यूनिवर्सिटी में जांच करवाएं और इस बार भी करवाएं सर। क्या जरूरत पड़ गई आपको सर कि बच्चे को अपील करने ऐसा करने की, क्या जरूरत पड़ गया सर, क्या ऐसा क्या सर हम लोगों ने आपको कोई तरह का अभद्र बात बोला, क्या सर कोई तरह का कुछ किया है पहले से, तो फिर सर नियम चेंज करके बच्चों को क्यों ठीक कर रहे हैं सर। एक मिनट आपने तो कहा कि हमने एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है सर, तो मानते हैं कि हमारा जो है 50 नंबर का है, जो 40 नंबर का स्टूडेंट होता है, तो 40 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम है उसमें हमको दिया गया है 10 नंबर, जिसमें उसमें एमसीक्यू होते हैं 10 नंबर के, अगर हमने उसमें 3 MCQ भी सॉल्व कर दे सही से तो 6 नंबर तो हमारा सही हो गया, तो 6 नंबर उठ गया, तो क्या हम उसमें अब उसमें 10 नंबर भी सब्जेक्टिव को सही से नहीं ला सकते हैं सर? हम ला सकते हैं सर, बिल्कुल ला सकते हैं सर। इतना भी पॉलिसी को चेंज करने की क्या जरूरत है कि छात्र छात्राओं का भविष्य ही अंधकार में चला जाए? थोड़ा हमने किसको नहीं, ये तुम्हारा पास दोनों किसी भी रिलेवेंट है यस सर, हमने आपका क्या ये जो पेपर क्या किसे जांचा जाए ये क्या आपका हक में है? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, हम जिसको जो भी समझ दिए ना बेटा उसको दे देना। पाँच मिनट देखो तीनों का जो नाम है एसेंट कॉलेज, आपका झोरिया कॉलेज, तीनों अपने जो पंद्रह कॉलेज टीचर है सर, वो सब भी इसी प्रकार का एग्जाम है, थोड़ा बेटर थोड़ा जो भी है, हमने उन टीचर से एक्टिव टीचर से द्वारा जो पेपर है बेटा है उनके तो उसके बाद ऐसा बताइए कोई टीचर कह देगा किसको कोई बच्चे आज के जमाने में कोई टीचर फंसता कोई बीसी क्या कुछ भूलते क्या कुछ फेल करने के लिए क्या सर? और एक चीज भी बताता हूँ लेकिन जानने की बात को ये जो आपके साथ आपके पास बड़ा अधिकार है, देखो आपके पास पूरा अधिकार है, अभी उन्हें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे भाई, इसी बच्चे का देखो आप जरा इशारा हो, किसी बच्चे का आपका ने फीस भरा अकाउंट के लिए आया नहीं, मैं अभी रिजल्ट दूंगा, मुझे दिखाओ कि बच्चे ने अकाउंटिंग किया और उसका उचित रिजल्ट नहीं मिला, मतलब वो 500 रुपए कैसे करूँ हमने जिम्मेदारी है उसका है, ठीक है ना बेटा जिसका है, देखो आपको न्याय चाहिए ना बेटा, आपने 500 रुपया दिया रिजल्ट आने से बिना पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, 500 रुपया कहाँ जाएगा वो जाएगा, दूसरे बात देखिए आप लोगों मेरे विरुद्ध में जिस प्रकार आप लोग दुष्प्रचार करते हैं टीचर से लेकर स्कूल लेकर के एमएलए एमपी से लेकर एक सही आज मैं बता रहा हूँ मेरे स्कूल मेरे जब से मैं आया मैं जितना किया नहीं किया जो तो समय देखा हूँ स्टूडेंट पोलिटिक्स या पत्रकार एमएलए एमपी जो कर रहे एक गलत काम देखा दिखा दे रहा हूँ गलत काम किया हूँ पेपर गलत निकलता था नहीं निकलता ना निकलता ना अभी निकला था पेपर हमें बीसी का अहर्ता नहीं
किसी का पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है। मैं सर मैं ये बता देता हूँ, मैं इंडिया का सबसे प्रोफेसर हूँ, मेरे योग्यता का कोई व्यक्ति धाना दिखा देगा उनको चटा चल दूंगा, यही बता देता हूँ। मेरे योग्यता का बराबरी कोई दिखा देंगे धनबाद में चाल देना छोड़ दिया, चैलेंज देता हूँ। ठीक है सर, वो विषय हम लोग करेंगे, नहीं उम्मीद करते हैं कि आप योग्यताओं में योग्यता जो भी है, लेकिन बड़ा देखो बड़ा सुनो, मैं भी इसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं कभी किसी का तन मन में बेटा इंजस्ट कभी नहीं कर सकता हूँ, तन मन से अपने देखिए सर, मैंने कुछ कार्य होता रहा, प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है बेटा, आपको जानकारी मिले ना बेटा, सुनो वो तो आपको इंटरनल मार्क होता ना, इंटरनल मार्क होता है बिना जांच करके देते थे, अभी हमने कर दिया, जब आप इंटरनल का जांचो बच्चे का, आप कॉपी भी करो, इस बार कॉपी भी बच्चे आप लोग जांच पेपर भी आया, बोले इंटरनल आता नहीं था बेटा, वो धंधा था, आप बेटा पढ़ लिया बेटा, मैं कुछ कर सकता पढ़ लिया।